नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तो जनवरी का एंड होने वाला है और लगातार दो दिन बारिश होने के बाद आज धूप बहुत तेज़ निकला हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे गार्डन का एक छोटा सा अपडेट, मतलब मेरे गार्डन में अभी कौन कौन से प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है और नए नए से कौन से प्लांट में ग्रो किया हूँ, इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं मेरे डालिया प्लांट से शुरू करता हूँ। इस साइड पे मेरे कुछ 7 डालिया प्लांट है जिसमें ऑलरेडी सभी में ही फ्लावरिंग हो चुका है। मैक्सिमम सभी प्लांट्स का फ्लावर एक जैसा ही आया है, ये देख सकते हैं आप, ये और ये और ये इस साइड पे एक है और तीनों प्लांट पे फ्लावर देखिए सेम कलर का ही हो रहा है। यहाँ पर एक येलो फ्लावर हुआ था, बहुत ही बड़ा साइज़ का, बिग साइज़ का फ्लावरिंग हुआ था। अभी दो दिन बारिश के कारण ये देखिए झड़ चुका है। और इस साइड पे एक प्लांट है जिस पे अभी बर्ड्स आ चुका है और 2 ड्वार्फ वैरायटी जिसमें येलो कलर के फ्लावरिंग होने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप। सभी प्लांट्स मेरे जैसे कि आप जानते हैं छोटे से कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है। इसके बाद मेरे यहाँ पे एक जेरेनियम का प्लांट जो अभी देखिए छोटे छोटे से फ्लावरिंग होना शुरू हो चुका है। और इस साइड पर मेरे कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट, 4 स्ट्रॉबेरी प्लांट इस साइड पर है और भी मेरे 3-4 प्लांट है जो अलग जगह पे रखा हूँ। उसके बाद इस साइड पे मेरे देखिए सभी पिटूनिया के प्लांट है जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी। हालांकि दो दिन बारिश होने के कारण फ्लावर देखिए थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन बहुत सारे मात्रा में अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। और इसके सामने ही मेरे मेरीगोल्ड के प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा था और फ्लावर का साइज़ भी आप देख सकते हो कितने बिग साइज़ के फ्लावरिंग हो रहे हैं। दो दिन बारिश के कारण थोड़ा प्लांट्स का हालत थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इस साइड पे मेरे 2 इनका के वैरायटी है जिसमें एक प्लांट पे देखिए कितने सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये 2 मेरी इनका वैरायटी। और इसके सामने ही मेरे डायंथस के प्लांट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पर 2 वैरायटी है, 2 कलरिंग के वैरायटी। और इसके बाद मेरे इम्प्रेशंस ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही नाजुक सा प्लांट होते हैं, बारिश में प्लांट्स का हालत थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। दोस्तों क्रिसेंथेमम तो अभी ख़त्म हो चुका है, अच्छा खासा फ्लावरिंग हुआ है इस साल मेरे क्रिसेंथेमम प्लांट्स पे, लेकिन अभी तो फ्लावरिंग नहीं है, 1-2 प्लांट ही है जिसमें अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं। देखिए ये एक वैरायटी अभी फ्लावरिंग हो रहा है और इसके सामने और एक वैरायटी है जो इसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है। सामने मेरे फेवरेट वर्बेना के प्लांट, रेड वैरायटी मेरे सबसे फेवरेट प्लांट है। कितना सुंदर देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। इस साइड पे मेरे और एक वैरायटी कलरिंग के, तो ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। और इसके सामने मेरे कैलेंडुला प्लांट जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये एक येलो पेंजी ब्यूटिफुल। और सामने मेरे और एक पिटूनिया के प्लांट, यहाँ पे मैं हैंग किया हूँ एक पिटूनिया के प्लांट, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। और इस साइड पे और एक प्लांट है जो अभी फ्लावरिंग कर रहा है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मेरे एक जारवेरा के प्लांट, कुछ दिन पहले मेरे इस प्लांट पे फ्लावरिंग हुआ था इस साइड पे जो है, अभी देखिए जिसको मैं अलग करके एक प्लांट लगाया था उसमें भी अभी फ्लावरिंग शुरू कर चुका है, अच्छा खासा फ्लावरिंग हो रहा है। ये जारवेरा प्लांट पे फ्लावरिंग जो होता है बहुत दिन तक रहता है प्लांट पे, ऑलमोस्ट 20-25 दिन तक तो रह ही जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऐसा एक प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, किसी प्रकार पेस्ट का अटैक भी होता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मेरे देखिए एक यूफोर्बिया मिली के प्लांट जो ख़राब हो चुका था, मतलब ठंड में इसका लीफ सब झड़ चुके थे और अभी देखिए फिर से ये फ्लावरिंग करना शुरू कर रहा है। दोस्तों इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ रोज़ के वैरायटी, एक येलो रोज़ बहुत ही
ब्यूटीफुल फ्लावरिंग कर रहा है। 3 फ्लावर लगा हुआ है अभी, और अभी भी बहुत सारे बर्ड्स इनमें लगा हुआ है। और इस साइड पे मेरे और एक रोज़ फ्लावरिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे रोज़ प्लांट्स है इस साइड पे। एक तो कटिंग में लगाया था, उसमें भी फ्लावरिंग हो रहा था, और इस साइड पे मेरे एक छोटे से रोज़ प्लांट जिसमें भी बहुत सारे अभी फ्लावरिंग हो रहा है। दोस्तों, इसके सामने ही मेरे एक इलायची के प्लांट जिसमें अभी तक तो इलायची लगा नहीं है, लेकिन प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। एक ही प्लांट में लगाया था, अभी देखिए इसमें बहुत सारे प्लांट बन चुका है। मैं अलग करके कुछ प्लांट को अलग पॉट पे शिफ्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे प्लांट अभी बन चुका है। मालूम नहीं है इसमें इलायची अगर लगेगा कि नहीं, अगर लगता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख पा रहे हो, ये मेरे टमाटर के प्लांट है। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मेरे 3 प्लांट है एक थर्मोकॉल के डिब्बे के अंदर, तो बहुत सारे टमाटर इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें मुझे बहुत सारे टमाटर मिलने वाले हैं इस साल। और इस साइड पर मेरे और एक टमाटर प्लांट है जो मैं कैरी बैग के अंदर लगा के रखा हूँ। दोस्तों, इसके सामने मेरे एक देखिए इलायची के प्लांट, जैसे कि मैं दिखाया आप लोगों को पहले, उससे मैं एक प्लांट कट करके यहाँ पे लगाया था, तो इसमें भी देखिए अभी 3-4 प्लांट बनने लगे हैं। और उसके अंदर मेरे धनिया के प्लांट, धनिया में इस साल बहुत सारे ग्रो किए थे, अभी भी देखिए इस साइड पर धनिया मेरे उगने लगे हैं। हालाँकि 2 दिन बारिश के कारण प्लांट्स थोड़ा ख़राब हो रहे थे। और इसके सामने मेरे मिर्च के प्लांट, इसका ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है, किसी प्रकार पेस्ट का अटैक भी नहीं है अभी तक प्लांट्स। मिर्च के प्लांट के पे पेस्ट का अटैक बहुत जल्दी लग जाता है, तो हालांकि मेरे प्लांट पे अभी तक नहीं है, ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और सभी प्लांट मेरे कैरी बैग के अंदर ही लगा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद मैं जो प्लांट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है मेरे लेमन प्लांट, कागजी नींबू के एक प्लांट है। इसमें देखिए बहुत सारे अभी नींबू लग रहे हैं, और फ्लावरिंग भी हो रहा है। पूरे साल भर इसमें फ्लावरिंग होता है, और पूरे साल भर इसमें नींबू लगा रहता है। बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट मैं हैंग किया हूँ, हैंगिंग करके लगाया हूँ। 3 प्लांट हैं, और तीनों प्लांट का ही ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैं कुछ दिन पहले ही लगाया था, तो इसलिए अभी तक तो फ्रूटिंग नहीं हुआ है, कुछ दिनों के अंदर इसमें भी फ्रूटिंग चालू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे एक स्थल कमल के कटिंग जो मैं लगाया था कुछ दिन पहले, उसमें देखिए अभी नए नए से स्टेम्स निकलना शुरू हो चुका है। और कटिंग देखिए बहुत ही मोटा कटिंग था, और 3-4 स्टेम्स निकल रहा है। तो ये भी प्लांट मेरे रेडी हो चुका है, तो इस बार मैं इसको एक बड़े पॉट पे लगाऊंगा, और मुझे लगता है इस साल ही मुझे इसमें फ्लावरिंग मिलने वाला है। दोस्तों, इस साइड पे मेरे एक रोज़ प्लांट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें अभी मैं कटिंग लगाया था, और कटिंग में ही इसमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक है, और इस साइड पर एक फ्लावरिंग ऑलरेडी हुआ था, तो ये अभी फ्लावर मुरझा चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कटिंग के अंदर ही मेरे फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। मेरे यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट हैं, मोगरे के प्लांट, ये देखिए इसमें भी न्यू से लीव्स निकलना शुरू हो चुका है, बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें। हिबिस्कस के भी एक कटिंग है जो अभी लग चुका है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, ये तो था कुछ प्लांट मेरे छत के ऊपर मैं ग्रो किया हूँ इस साल विंटर सीजन में, और कुछ कटिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, और कुछ वेजिटेबल प्लांट्स को भी मैं लगाया हूँ, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर उसको लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो गार्डनिंग रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट्स कीजिए, उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय।